ले के रहेंगे। एनपीएस गो बैक, एनपीएस गो बैक, एनपीएस गो बैक। मैसेज यूनिटी जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। मेरे साथ आज कुछ लोग मौजूद हैं जिनमें से एक व्यक्ति जो है वो साइकिल पर बैठे हुए हैं, जो कि ओल्ड पेंशन के लिए निकले हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए, सरकारी कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए। और आज ये रैली जो है लगभग 27वें अस्पताल में यहाँ पहुँची, सरकारी अस्पताल में, जो कि दीपचंद बंधु अशोक विहार यहाँ पर स्थित है। मेरे साथ जो साइकिल पर बैठे हैं, इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर इस पूरा ये जो मुद्दा है NMOPS और ये ओल्ड पेंशन योजना जो है, ये क्या मुद्दा है, ये थोड़ा सा मेरे को इसी बारे में बताएंगे। कितने टाइम से आप निकले हैं इस साइकिल के ऊपर और क्या ये मुद्दा है? नाम बदनाम के साथ शुरू करेंगे। जी साहब, मैं बसंत कुंड प्रकाश जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल से नर्सिंग ऑफिसर हूँ और मैं 2 अक्टूबर से साइकिल यात्रा पे समस्त हॉस्पिटलों में होता हुआ आज दीपचंद बंधु हॉस्पिटल पहुँचा हूँ। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको बंद करके पुरानी पेंशन है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको बहाली के लिए समस्त नर्सिंग ऑफिसर और जो भी NPS पीड़ित है जो सन 2004 के बाद में लगे हैं, उन सब के अंदर अवेयरनेस फैलानी है, जागरूकता फैलानी है कि सरकार से हमारी अपील है कि न्यू पेंशन स्कीम को बंद करके पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। न्यू पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारी एक ठगा हुआ सा लग रहा है, उसमें उसके बुढ़ापे का सारा कुछ नहीं दिख रहा है। जो देखा जाए तो जो अभी कुछ लोग जो न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत रिटायर हो रहे हैं उनको मात्र 3300 रुपये 4000 रुपये पेंशन मिल रही है, जबकि पुरानी पेंशन स्कीम में जो सरकारी कर्मचारी रिटायर होता था तो उसकी जो लास्ट सैलरी जो होती थी उसकी आधी सैलरी उसको पेंशन में मिलती थी, वो ऐसा न्यू पेंशन स्कीम में है नहीं। ओल्ड पेंशन स्कीम में किसी प्रकार की सैलरी से कटौती नहीं होती थी, न्यू पेंशन स्कीम में बहुत सारी यानी 10% हमारे सैलरी से कटौती की जाती है। इतनी इस उसमें अस्पतालों में घूम चुके हैं, कितने लोगों को जगा चुके हैं साइकिल के? मैं 27 हॉस्पिटल में घूम चुका हूँ और अभी मैं दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में जा रहा हूँ और अभी ये रैली 9 नवंबर तक चलेगी और 9 नवंबर को ITO शहीदी पार्क में हमारा पेंशन सत्याग्रह है, जिसमें सरकार को ये अपील की जाएगी कि भाई हमारी न्यू पेंशन स्कीम बंद करके पुरानी पेंशन स्कीम को वापस से लागू किया जाए। जी हाँ, मेरे साथ यहाँ पर कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि आखिर इनका क्या कहना है। क्या नाम है सर आपका? मैं टीकम सिंह यादव है जी। टीकम जी, ये रैली जो आप निकाल रहे हैं सारे जग प्रवेश की टीम मिलकर, क्या लगता है क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है सरकारी कर्मचारियों? देखिए जी, सरकारी कर्मचारियों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और हमारा जो अभियान है, हमारा मुख्य अभियान है 9 नवंबर को शहीदी पार्क में सत्याग्रह प्रोग्राम है पूरे दिल्ली सरकार के कर्मचारियों का, जिसमें हमारे हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज भी हैं, टीचर्स भी हैं और MCD के एम्प्लॉयज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, उन सब के लिए है। हमारा जो अधिकार था ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि 1/1/2004 से हमसे छीन लिया गया, वो अधिकार को हम वापस लेने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। उसके लिए बसंत कुमार जी ने साइकिल यात्रा स्टार्ट की, जिसका हम सभी नर्सिंग ऑफिसर्स जो भी हैं हमारे खड़े हुए हैं सब उसका समर्थन कर रहे हैं, हम लोग इनके साथ चलते हैं। आज 27वां हॉस्पिटल है, इसी तरह से कम 45 हॉस्पिटल्स करीबन हैं दिल्ली सरकार के और सेंट्रल गवर्नमेंट MCD के, सभी में जाएंगे और लोगों को जगाएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम में हमें जो फ़ायदे थे वो हमसे छीन लिए गए और हमें अब NPS में एक NPS समझ लो, नेशनल पेंशन स्कीम नाम है, बाकी नो पेंशन स्कीम है। इसमें पेंशन हमारा पैसा है वो डिपॉजिट होता है, शेयर मार्केट में लगा दिया जाता है। आज आपको लग रहा है कि 20 लाख रुपए है, कल आपको पता नहीं 15 लाख हो, 10 लाख हो, 12 लाख हो, मार्केट डाउन जाएगा तो पैसा भी डाउन जाएगा और अगर मार्केट अप होता है उसका कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा, क्या रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी यही पूछा आपसे कि आप लगभग 27वां ये हॉस्पिटल है दीपचंद बंधु, तो लोगों का क्या रिस्पांस मिल रहा है, सरकारी कर्मचारियों का क्या रिस्पांस मिल रहा है? सर, सरकारी कर्मचारियों में बहुत जोश है, बहुत ज़्यादा उनको एक उम्मीद बंधी है कि शायद अब सरकार का ध्यान हमारी तरफ आए और दोबारा से जो हमारा एक अधिकार है, लोग सरकारी नौकरी में आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं तो बुढ़ापे के लिए ही करते हैं, बेसिकली 60 साल जो रिटायरमेंट की एज है उसके बाद बच्चे भी, बच्चों को भी ये लालच होता है कि हमारे जो फादर हैं उनको पेंशन मिलेगी या मदर हैं उनको पेंशन मिलेगी, तो वो एक तरह से केयर करते हैं। और आजकल जब हमें पेंशन ही नहीं मिलेगी तो बच्चे भी हमारी केयर करना तो दूर, हमारे पास भी शायद ना आए, तो हम यही चाहते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा हमें वापस दिया जाए और सरकार न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम है उसको विथड्रॉ करके और ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस ले ले। जी हाँ, मेरे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं,
क्या नाम है सर आपका? मैं जगप्रवेश चंद्र हॉस्पिटल से सीपी चौधरी। सीपी जी, क्या लगता है ये जो रिस्पांस है, जैसे कि टीकम जी ने बताया कि रिस्पांस सरकारी कर्मचारियों का बहुत बढ़िया मिल रहा है और आगे भी ऐसा लगता है कि शायद सभी लोग एक साथ मिल गए, एक साथ काम करेंगे, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालना, अपने हॉस्पिटल को भी देखना, उसके बाद फिर रैली पर भी निकलना, तो कैसे एडजस्टमेंट हो रहा है? सर, जब जैसे जैसे हम आधे लोग यहाँ आए हैं, आधे लोग हॉस्पिटल को संभाल रहे हैं, वो लोग ड्यूटियाँ कर रहे हैं, हम अपने टाइम को इस तरीके से मेंटेन करे हुए हैं कि ड्यूटी भी करते हैं, हॉस्पिटल में भी अपना समय देते हैं और अपना ये पार्ट टाइम इसको न्यू पेंशन स्कीम को बंद करवाने के लिए भी हम इस जागरूक अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। कितने घंटे लगभग लगते हैं एक अस्पताल को कवर करने में, अगर आप जाते हैं दिन में कितने अस्पताल कवर कर रहे हैं? 2 से 4 अस्पताल हम रोज़ कवर कर रहे हैं। लगभग कितना टाइम अंदाज़ा मान के चलें, अगर कितने एरिए को देख के उसके बाद फिर अस्पताल के लिए निकलते हैं? तकरीबन 15-20 किलोमीटर डेली। 15-20 किलोमीटर के अंदर अस्पतालों को कवर किया जाता है, सरकारी कर्मचारियों को जो है वो जागरूक किया जाता है और इस साइकिल के थ्रू, इस साइकिल रैली के थ्रू चला जाता है। मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इस साइकिल को आगे लेके आए ताकि कैमरा में हम इसे पूरा दिखा सकें। इस पे लिखा हुआ है पहले आगे कि वी वांट ओल्ड पेंशन और उसके बाद NMOPS के स्टिकर इसके ऊपर है। अगर यहाँ देखेंगे तो पुरानी पेंशन हमारा हक, जग प्रवेश चंद अस्पताल दिल्ली। पुरानी पेंशन का मतलब जैसा कि अभी सभी लोगों ने बताया कि पुरानी पेंशन के अंतर्गत अगर ये आते तो बहुत सारे बेनिफिट इन लोगों को हो सकते थे, लेकिन नई पेंशन योजना के तहत अब जो प्रॉफिट है वो नहीं मिल पा रहे हैं। खैर, ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं अंशुल त्यागी, दिल्ली।